किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे खरबूज की खेती के बारे में, वो भी फरवरी महीने से लेकर मार्च तक आप इसका खेती कर सकते हैं और इसे लगाना बहुत आसान हो जाता है। और ये खरबूज के लगभग सभी राज्यों में, लेकिन कुछ राज्य ये है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसमें बड़े पैमाने पे लोग खेती करते हैं, जिससे किसान भाई इसे मुनाफा भी बहुत कमाते हैं। और पूरा विधि आज बता देंगे शुरू से अंत तक कैसे करना चाहिए और ये खरबूज की खेती में कितना परसेंट क्या रहता है, ये सब बारे में भी बताएंगे। अनुकूल जलवायु के बारे में बताएंगे, भूमि चयन के बारे में बताएंगे, उसका पीएच मान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी के बारे में, बुआई का समय और खरबूज के उन्नत किस्में बता देंगे जो कि हाइब्रिड वाला होगा। और ऐसे भी हम बता देंगे बीज का उपचार के विधि बता देंगे, बीजों की बुआई कितने दिन करनी चाहिए, बुआई में बेड कैसा बनाना चाहिए, खरबूज के नर्सरी के लिए क्या करना चाहिए, खरबूज का सिंचाई कैसे करना चाहिए और उसका कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के बारे में बताएंगे। इसके अनुकूल जलवायु की बात करें तो अनुकूल जलवायु इसके खेती के लिए गर्म और शुष्क खेती माना जाता है। बीज अंकुरण से 25 डिग्री से 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस रहना आवश्यक है और अच्छे से विकास के लिए लगातार बारिश, अधिक ठंड के फसल हानिकारक होता है। लेकिन अब टनल बनाकर ठंड में खेती की जाती है, मतलब टनल विधि द्वारा। इससे पहले दो वीडियो पहले हम बता दिए हैं कैसे टनल विधि द्वारा होता है। खरबूज के लिए खेती के लिए विटामिन इसमें पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी उचित मात्रा में पाया जाता है और इसमें 90% पानी पाया जाता है, 9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और भूमि का चयन की बात करें तो भूमि के चयन के लिए आपको खरबूज के लिए बहुत अच्छी मिट्टी चाहिए, लेकिन जल निकासी होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ भरपूर होना चाहिए, 6.5 से 7.5 तक पीएच मान होना चाहिए। और बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छा खेती इसकी हो जाती है, जो कि बहुत किसान भाई करते भी है। की तैयारी के समय इसे भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। भुरभुरी मिट्टी के लिए आपको खरबूज की खेती वो जुताई बहुत अच्छी कर लेनी होगी और उसके लिए मौजूदा खरपतवार, कीटनाशक, कीट नष्ट हो जाए इसके लिए तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि ज़्यादा जुताई कीजिएगा तो उससे ये सब हो जाता है। और 200 से 250 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद देनी होगी और खाद डालने के एक बार फिर से जुताई कर देनी होगी या दो बार आप कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए पलेवा कर दे, मतलब वो पाटा दे देना चाहिए और 2-3 बार आड़ी तिरछी इधर उधर करके पाटा दे देनी चाहिए। और आखिरी जुताई के समय 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास, 30 केजी नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर 5-6 फीट की दूरी पर नाली नुमा लंबी क्यारी बना लेनी चाहिए। इस तरह खरबूज की खेती के लिए खेत तैयारी की जाती है। जब कर दिए होंगे तो मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इससे पहले बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ का वीडियो खोजना हो वो तो आप देख के खोज सकते हैं। और बुआई की बात करें, खरबूज की बुआई की बात करें तो ये फरवरी मध्य में की जाती है। उत्तरी भारत में, पूर्वी पश्चिमी भारत में नवंबर से लेकर जनवरी तक की जाती है। मध्य फरवरी मध्य क्या वो मार्च मध्य तक भी कर ली जाती है। बहुत सारे वेराइटी है, पंजाब सुनहरी के नाम से आता है जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है, हिसार मधुर के नाम से आता है और MHY3 के नाम से आता है, मृदुला 90 दिन का ये वेराइटी होता है। और पूसा सरबती के नाम से आता है। खजूर के बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो आप अपने KBK से संपर्क कीजिएगा, वहाँ आपको इसका बीज के बारे में बता दिया जाएगा जो कौन कौन बीज इसके नाम से वेराइटी हाइब्रिड है। मधुराजा के नाम से आता है, न्यू हेम्स कंपनी का आता है, न्यू हेम्स क्या आता है, मधु 149 आता है जो कि एडवेंटा कंपनी का आता है, ये भी आप ले सकते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा मांग है। ये सब 90 दिन का फसल है। और इसके बाद नो यू सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आता है, ये भी बकुंदन आता है, नामधारी का आता है, मत्स्य मिलन NS 915। वीडियो हम बना देंगे सभी खरबूज के बीज पे। बीज उपचार की बात करें तो बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। इसके बीज उपचार के लिए आपको बीज पहले 1 केजी
जो ले लेना होगा वो आप ले लीजिए, 1 केजी या 5 केजी जितना भी। हाइब्रिड बीज थोड़ा कम लग जाए, उपचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हाइब्रिड बीज नहीं है तो बीज सीधे बुआई कर सकते हैं। हाइब्रिड वाला बीज घर पर बनाया हो तो उपचारित करना होगा, जैसे कार्बन डाइजीम आपको 2 ग्राम लेना होगा प्रति किलो बीज के अनुसार, आप कार्बन डाइजीम ले लें। बाद की बात करें तो खरबूज का बीज जैसे ही उपचारित हो जाए उसके बाद उसके बुआई का तरीका बताते हैं। बुआई पौधे दोनों तरीके से की जाती है, बीज बुआई पौधे दोनों तरीकों से की जाती है। पौधा भी खरीद के ला सकते हैं, वो 2-3 रुपये पेड़ आपको हर एक प्लांट दे देगा और 5 से 6 फीट की दूरी पे 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नालीनुमा क्यारी लंबी क्यारी बन तैयार कर लेना चाहिए। नालियों के दोनों किनारों में 2 से 3 फीट की दूरी पे 1.5 सेंटीमीटर गहराई बीज की बुआई करनी चाहिए, जो कि आप बहुत अच्छा इसका बुआई की बात करें। जैसे ही उपचारित हो जाए बीज तो आप उसके बाद ही इसे तरबूज के बुआई का बीज की बात करें, बेड से बेड की दूरी 5 से 6 फीट 1.5 से या 2 मीटर होना चाहिए। बीज की दूरी 1 से 1.5 फीट, बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर, मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन, सिंचाई के लिए ड्रिप भी बिछा दें। आप ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो कितना गहराई और कितना दूरी पर लगाना चाहिए। और खरबूज की नर्सरी कैसे तैयार करें इसके लिए 210 सेंटीमीटर व्यास वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई आकार का पॉलिथीन बैग प्रोट्रे होनी चाहिए और 98 कोशिकाएं प्रोट्रे में होती है, वो तो आपको पता ही होगा। नर्सरी में वाले जैसे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, परलाइट उचित मात्रा में मिश्रण करके प्रोट्रे में बीज डाल के उसे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही इसमें बोइएगा तो भाई वो अब आपको अंतिम में बता रहे हैं इसके पैदावार के लिए। पैदावार इसकी बहुत अच्छी होती है और इसके ड्रिप सिंचाई आपको करनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई कीजिएगा तो ड्रिप में तो अब बहुत कम पैसा लगता है और ड्रिप सिंचाई से ये होता है जो आप तुरंत आप ये कर सकते हैं। और ड्रिप सिंचाई से इतना आसान है जो आप जैसे ही ड्रिप सिंचाई करना चालू कीजिएगा तो वो से पानी भी बहुत कम लगेगा, कम खर्चे में हो जाएगा। कहीं कहीं पानी का किल्लत भी रहता है तो वहाँ भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे ही इसका ड्रिप सिंचाई कीजिएगा तो निराई गुड़ाई की बात करें 2-3 निराई गुड़ाई तो आराम से देना पड़ेगा। और इसके कीट पतंग की बात करें तो बहुत सारे कीट पतंग लग जाते हैं, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करके उसे रासायनिक दवाइयाँ भी दे सकते हैं, नहीं तो दाग धब्बे के लिए आपको इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए। और इसकी तुराई की बात करें तो 80 से 90 दिन में तोड़ने योग्य हो जाता है, बहुत अच्छा तोड़ने योग्य और पक भी जाता है, लेकिन 80 से 90% पकता है, तभी इसे मार्केट भेजना आसान हो जाता है। और इसका बीज भी बिक जाता है, बीज को भी बहुत ज़्यादा दामों में 14-15 हज़ार रुपये केजी के हिसाब से बिकता है, क्योंकि इसका खेती अभी खूब लोग कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं तो इसका मार्केट भी वैल्यू है। अभी तक मेरे चैनल पर पहले आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।